नेहा हैड 555 रुपीस। नेहा के पास कितने पैसे है? 565 रुपीस। आउट ऑफ दैट शी परचेज अ ड्रेस कॉस्टिंग 287, यानी कि उसने ये 287 की ड्रेस परचेज की, यानी कि खरीदी हुई। हाउ मच मनी इन लेफ्ट विथ हर, तब उसके पास कितने पैसे बचेंगे वो देखना है। नेहा के पास टोटल पैसे पहले कितने थे? नेहा है 565, ओके। नेहा के पास कितने पैसे बचे हैं? कितने पैसे है? 565। अब यहाँ पे आता है सी परचेज ड्रेस, सी परचेज 287 रुपीस, ओके। तब उसके पास पैसे कितने बाकी रहते हैं? लेफ्ट विथ हर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल उसके पास कितने पैसे थे? 565 रुपीज। उसने परचेज कितने के, यानी खरीदी कितने की है? 287। मेरे पास टोटल 565, उसमें मैं 200 दे दूंगी तो क्या होगा? माइनस, यानी कि माइनस आएगा। अब देखो 5 में से 7 कट होगा, नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लेंगे। 5 को कट करके ऊपर क्या आएगा? 15। एक बार कम लिया है तो कंपलसरी दूसरी बार लेना पड़ता है। 6 का बिफोर नंबर क्या होगा? 5, ओके। अब 15 में से 7 कट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 क्या है? 15 में से आपको कितने कट करने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने बचे? 8, तो आपको यहाँ पे लिखा 8। अब 5 में से 8 कट हो गए? नहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे? फिर से यहाँ पे उसके आगे के नंबर को कट करोगे। 5 का बिफोर नंबर क्या होता है? 4, और ये 15 को कट करके ऊपर आएगा। 5 के ऊपर कट करके क्या आएगा? 15। अब 15 में से 8 कट करोगे तो कितना बचेगा? 15 में से 8 कट करोगे तो मैंने कहा ना 15, और उसमें से 8 कट किया, कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आया 7। और 4 में से 2 कट करोगे तो कितना बचेगा? 2, ओके। तो यहाँ पे उसके पास अब पैसे कितने बाकी रहे? 278। तो आंसर क्या आएगा? शी हैड 278 रुपीस लेफ्ट विथ हर। नाउ आप पीछे भी लिख सकते हो या फिर आगे भी लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे लिखो, नाउ शी हैड 278 रुपीस लेफ्ट विथ हर, या तो फिर शी हैड 278 रुपीस लेफ्ट विथ हर नाउ, ओके। थर्ड है 358 वुमन एंड 672 मैन वोटेड इन द पंचायत इलेक्शन, यानी कि पंचायत होता है तो पंचायत के इलेक्शन में टोटल मैन कितने हैं? 672 मैन ने वोट किया है और 358 वुमन ने वोट किया है। आपको ढूंढना क्या है? हाउ मैनी मोर मैन वोटेड देन वुमन इन दिस इलेक्शन, यानी कि इस इलेक्शन के अंदर वुमन से ज्यादा कितने मैन ने वोट किया है, ओके। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैन वोट इन द पंचायत चायत, कितने है मैन? 672। यहाँ पे दोबारा लिखो, वुमन वोटेड इन द पंचायत, कितने वुमन ने कितने वुमन ने वोट किया है? 358, ओके। अब आपको ढूंढना क्या है? कितने मैन
ज्यादा वोट किया है ना। तो मोर वुमन वो मोर मैन वोटेड देन वुमन। क्या आएगा, मैन में से वुमन को माइनस करेंगे तो हमें कितने मैन ने ज्यादा वोट किया है वो पता चल जाएगा। ओके, 672 में से 358 माइनस करना, 200 में से 8 कट होगा नहीं ना, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे जीरो लेंगे। 12 और 7 का बिफोर नंबर क्या आएगा, 6। 12 में से 8 कट करोगे तो कितना आएगा, 4, और 6 में से 5 कट करोगे तो 1, 6 में से 3 कट करोगे तो 3। ओके, आप फिंगर से काउंट करना, तो कितने मैंने ज्यादा वोट किया है, 340। ओके, इन दिस इलेक्शन आंसर में क्या लिखोगे, इन दिस इलेक्शन 340 मैन मैन वोटेड देन वोट। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी सम समझ में आ चुके। आज यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू।